हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पोलिन ग्रेन्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के ठीक नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। स्टेमेन के एंथर में एक हैप्लोइड सेल बनता है जिसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। वह माइक्रोस्पोर डेवलप होकर एक नए हैप्लोइड सेल में चेंज कर जाते हैं, बदल जाते हैं और उस नए हैप्लोइड सेल को ही पोलिन ग्रेन कहते हैं। पॉलिन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। वह स्ट्रक्चर जिसमें मेल गेमिट्स बनेगा उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे मेल गेमिटोफाइट। तो लिख सकते हैं इट इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ ए माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एक हैप्लोइड सेल होता है। इट रिप्रेजेंट्स ए मेल गैमेटोफाइट, मतलब पॉलन ग्रेन आगे जाकर डेवलप कर जाते हैं मेल गैमेटोफाइट में। पॉलन ग्रेन शेप में जनरली एस्फेरिकल होते हैं, एस्फेरिकल इन शेप। जनरली इनका कलर येलो होता है, येलो इन कलर, और 25 से 50 माइक्रोमीटर एक पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है। पॉलन ग्रेन्स स्टैमेन के एंथर में ही बनते हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन्स हमेशा स्टैमेन के एंथर में नहीं रहता है। क्या होता है कि एंथर जब मैच्योर होता है तो एंथर ब्रेक होता है, टूटता है, और जब टूटता है तो पॉलन ग्रेन्स एंथर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद पिस्टिल के स्टिग्मा पर चला जाता है। एंथर से पॉलन ग्रेन्स का पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन से पहले भी डेवलपमेंट होता है और पॉलिनेशन के बाद भी डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है पॉलिनेशन के पहले पॉलिन ग्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ ए पॉलिन ग्रेन। शुरू शुरू में एक पॉलिन ग्रेन हैप्लोइड सेल होता है जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ए पॉलिन ग्रेन इज ए यूनिन्यूक्लियर एंड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर विथ डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डेंस होता है। अब फिगर के माध्यम से पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझना है। पॉलन ग्रेन में ये साइटोप्लाज्म है। पॉलन ग्रेन में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है। कब? जब पॉलन ग्रेन यंग होता है तब। न्यूली फॉर्म्ड पॉलन ग्रेन में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। तो इसे लिख सकते हैं कि यह एक यंग पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में ये पार्ट कहलाएगा साइटोप्लाज्म, यह न्यूक्लियस, और यह कहलाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक पॉलन ग्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर टू लेयर्ड प्रोमिनेंट वॉल होता है जिसे स्पोरोडर्म कहते हैं, और स्पोरोडर्म के आउटर थिक लेयर को एक्साइन कहते हैं, और अंदर के तरफ का जो लेयर होता है वह थिन होता है जिसे इंटाइन कहते हैं। तो यह इनर थिन लेयर है जिसे क्या बोलेंगे, इंटाइन, इंटाइन बोलेंगे, और जो आउटर थिक लेयर होता है इस आउटर थिक लेयर को बोलेंगे एक्साइन।
और यह एक साइन एक हार्ड रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के बने होते हैं जिसे स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। यहां पर यह एक साइन है एक्साइन डिफरेंशियली थिकेंड होते हैं, इसे इस तरह से कुछ बना दिया जाए। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्साइन। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, स्पोरो डर्म, और एक्साइन बने होते हैं स्पोरोपोलिनिन का। क्या होता है कि एक्साइन पर प्रोमिनेंट अपर्चर होता है, मींस एक्साइन पर कुछ जगह एक छिद्र दिखते हैं, और इस छिद्र को जो प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मींस सुस्पष्ट, जो अपर्चर मींस छिद्र होता है उसे बोलते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर कहां पर होता है, तो जर्म पोर होता है एक्साइन पर। जर्म पोर का एक पॉलिन ग्रेन में कितना नंबर होता है, तो इसका नंबर होता है जनरली 1, 2, 3, 1 से 3 तक एक पॉलिन ग्रेन पर जर्म पोर जनरली देखे जा सकते हैं। तो जो यंग पॉलिन ग्रेन होगा उसमें न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होगा, साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में होगा। अब इसमें कुछ चेंजेज होंगे, क्या सब चेंजेज होंगे, और उसी चेंजेज को बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या सब चेंजेज होंगे, अब उस चेंजेज को समझना है। क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस, सॉरी, उससे पहले क्या होगा कि पॉलिन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स अपीयर हो जाएंगे। तो जब वैक्यूल्स अपीयर होंगे, जैसे यहां पर ये वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स हैं, तो जब वैक्यूल्स अपीयर होंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यह न्यूक्लियस है और ये क्या है, वैक्यूल्स है, और उसी तरफ से बना देना है इंटाइन और बना देना है एक्साइन। अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन का पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस के द्वारा। तो एक से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, दो न्यूक्लियस। जो बड़े साइज का न्यूक्लियस होगा उसे बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो छोटे साइज का, स्मॉलर साइज का जो न्यूक्लियस होगा उसे बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। और उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, मींस सेल, मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन होने से क्या होगा, टू सेल्स बनेंगे, एक बड़े साइज का सेल, एक लार्जर सेल बनेगा जिसे वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहेंगे, और जो एक स्मॉलर सेल बनेगा उसे बोलेंगे जनरेटिव सेल। तो यह सेकेंड फिगर है। जो थर्ड फिगर बनेगा वह कुछ इस तरह का बनेगा, ये साइटोप्लाज्म, और यह पूरा जो सेल होगा उसे बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, मतलब यह जो सेल है उसे बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। यह सेल भी हैप्लॉइड होगा। वेजिटेटिव सेल का यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, शेप में इरेगुलर होता है, और इसमें अबंडेंट अमाउंट में फूड रिजर्व्स पाए जाते हैं। वेजिटेटिव सेल के अंदर ही एक स्मॉलर सेल होगा जो स्पिंडल शेप्ड होगा, और उस सेल को बोलेंगे जेनरेटिव सेल, इसे बोलेंगे जेनरेटिव सेल। ये भी हैप्लॉइड होगा। इसका फर्स्ट लेटर जी है, जी से क्या होता है, गैमेट्स, मींस जेनरेटिव सेल ही आगे जाकर डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद मेल गैमेट्स को बनाएंगे। तो फिर से यहां पर भी क्या बन जाएगा, इंटाइन, और क्या बन जाएगा बाहर की तरफ, एक्साइन, बिल्कुल इसी तरह से, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यह जो है थर्ड है, और इसे अब बोलेंगे मैच्योर पॉलिन ग्रेन, मैच्योर पॉलिन ग्रेन। ये तीनों फिगर जो है, फिगर ए बी
एंड सी शोइंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए यंग पॉलन ग्रेन। अब इसके बारे में बहुत सारा कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को अब लिखना है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, और यह जो न्यूक्लियस है वह जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। तो यहां पर लिखेंगे टू लेयर्ड वॉल अराउंड ए पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म कहते हैं। आउटर लेयर जो है उसे बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन इज एन आउटर लेयर, और ये एक्साइन बने होते हैं एस्पोरोपोलिनिन के, मेड अप ऑफ एस्पोरो पॉलिनिन। यह एस्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब यह हुआ कि यह हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली को विथस्टैंड कर सकता है, मींस बर्दाश्त कर सकता है, सामना कर सकता है। इसके साथ साथ अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं पाया गया है जो एस्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सकता है। एस्पोरोपोलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। नो एंजाइम डिग्रेड्स एस्पोरो पॉलिनिन नॉन सो फार। तो आप वीडियो को पॉज कर ले और आप इसे लिख ले। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। प्रोमिनेंट अपर्चर्स मीन्स छिद्र ऑन एक्साइन आर कॉल्ड जर्म पोर्स, जिसका नंबर 1 से 3 तक हो सकता है। इन टाइम इज एन इनर एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर। कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टीन। सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर हैविंग ए लार्जर हियर रेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस एंड अबंडेंट फूड रिजर्व। जेनरेटिव सेल इज स्मॉलर
एंड स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए स्मॉल न्यूक्लियस. इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. मीन्स जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट्स करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. वेजिटेटिव सेल इन इंटोमोफिलस फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जिसे इंटोमोफिलस फ्लावर्स भी कहते हैं, कि पॉलन ग्रेन्स के एक साइन के ऊपर येलो कलर का स्टिकी फैटी सब्सटेंस होता है जिसे पॉलन कीट कहते हैं. ए येलो स्टिकी फैटी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन कीट इज फाउंड अराउंड एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन. इसके साथ साथ पॉलन ग्रेन में एक्साइन के बाहर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स स्टिग्मा पर कंपेटेबिलिटी और इनकम्पेटेबिलिटी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं. प्रोटीन्स ओवर एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन टेक पार्ट इन कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ऑन स्टिग्मा. पॉलन ग्रेन्स एंथर में बनते हैं और पॉलन ग्रेन्स एंथर से बाहर निकलते हैं. तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं तो मोर देन 60% एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में एंथर से बाहर निकलते हैं. और एक पॉलन ग्रेन में जो दो सेल्स होगा, टू सेल्स होगा, उसमें से एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जनरेटिव सेल. तो इसमें लिख सकते हैं कि इन मोर देन 60% of angiosperms pollen grains are shed at two celled stage. two cells pollen grain में कौन कौन सा होता है? इसमें एक होता है vegetative cell और इसमें एक होता है जेनरेटिव सेल. इसी फॉर्म में पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलते हैं. लेस देन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन में जो जेनरेटिव सेल होता है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर जाता है और टू मेल गैमिट्स बना देता है एंथर के अंदर ही. और वैसे एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स थ्री सेल्ड स्टेज में एंथर से बाहर निकलते हैं. In less than 40% of angiosperms, pollen grains are shed at three celled stage. एक pollen grain में three cells कौन कौन सा होता है? यहां भी एक होगा vegetative cell और दो होगा मेल गैमिट्स. मेल गैमिट्स भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, एक टर्म है पॉलिनोलॉजी. पॉलन ग्रेन्स के स्टडी को पॉलिनोलॉजी कहते हैं. इट इज द स्टडी ऑफ
पॉलिन ग्रेन्स। अब हमें समझना है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पर होता है, अब उसके बारे में समझना है। अब वीडियो को पॉज कर ले और उसे लिख ले। अब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन को समझना है। पॉलिन ग्रेन्स एस्टामेन के एंथर में बनता है। एंथर में पॉलिन ग्रेन्स बनने के बाद पॉलिन ग्रेन्स एंथर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद पिस्टिल के स्टिग्मा पर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद पॉलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर फर्दर डेवलपमेंट, आगे डेवलपमेंट होगा कि नहीं, वह एक रिएक्शन पर डिपेंडेंट होता है, जिस रिएक्शन को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन। होता क्या है कि पिस्टिल के स्टिग्मा के आउटर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स के एक्साइन के आउटर सरफेस पर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं। स्टिग्मा के मॉलिक्यूल्स पॉलिन ग्रेन्स के एक्साइन पर प्रोटीन्स, ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन होने के बाद अगर राइट टाइप के पॉलिन ग्रेन्स हैं, मीन्स उसी स्पेसीज का अगर पॉलिन ग्रेन्स है, तो वह पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आगे डेवलपमेंट करेगा, मीन्स जर्मिनेट करेगा, और आगे वह डेवलपमेंट करके एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बना देगा। एक पॉलिन ग्रेन में टू सेल्स होते हैं। लार्जर सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो जब आगे डेवलपमेंट होगा स्टिग्मा पर, तो वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, स्टिग्मा से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जर्म पोर होते हुए एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, वेजिटेटिव सेल स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और फूलेगा तो क्या होगा, वेजिटेटिव सेल किसी भी एक जर्म पोर होते हुए बाहर की तरफ निकलेगा और वह इलोंगेट होता चला जाएगा और एक ट्यूब बना देगा, जिसे बोलेंगे पॉलन ट्यूब। इसे हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसे ये पॉलन ट्यूब है, इसे बोलेंगे पॉलन ट्यूब। ये इनफैक्ट वेजिटेटिव सेल ही है जो इलंगेट करके पॉलन ट्यूब बनाया है। तो वेजिटेटिव सेल के जो भी कंटेंट्स होंगे, वे सारे कंटेंट्स आ जाएंगे पॉलन ट्यूब में। वेजिटेटिव सेल के बड़े साइज का जो न्यूक्लियस होता है, जो इरेगुलर शेप्ड का होता है, उसे बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। तो ट्यूब न्यूक्लियस सबसे पहले पॉलन ट्यूब में आ जाता है, हैप्लोइड न्यूक्लियस ही होता है, टर्मिनल पोजीशन पर आ जाता है यह न्यूक्लियस। उसके बाद वेजिटेटिव सेल के अंदर में जो जनरेटिव सेल होता है, वह जनरेटिव सेल भी अब पॉलन ट्यूब में आ जाएगा। या नहीं तो जो थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं एंथर से, तो वो जो दो मेल गैमेट्स होगा वो पॉलन ट्यूब में आ जाएगा। जो भी होगा, दो मेल गैमेट्स होगा तो भी पॉलन ट्यूब में आ जाएगा, और एक जनरेटिव सेल होगा तब भी ये पॉलन ट्यूब में आ जाएगा। और आने के बाद जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में फिर से एक बार माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा और बना देगा दो मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स बना देगा। यहां पर इस तरह से ये एक मेल गैमेट हो गया और ये दूसरा मेल गैमेट हो गया। तो ये है मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स हैप्लोइड सेल होते हैं। इसके साथ साथ बाहर की तरफ जो कवर होता है एक्साइन का, वो कवर तो रहेगा ही, एक्साइन का कवर रहेगा ही, तो इस तरह से यह एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, जो इनफैक्ट एक पॉलन ग्रेन ही है। तो इस तरह से यहां पर दो मेल गैमेट्स होगा और एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा। अब इसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है, वेजिटेटिव और पॉलन ट्यूब में ही इनके सारे कंटेंट्स होंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यह जो पॉलन ट्यूब है वह सिर्फ इंटाइन के द्वारा कवर्ड है, यहां पर एक्साइन नहीं है। पॉलन ट्यूब इज कवर्ड ओनली बाय इंटाइन। इसके साथ साथ
पॉलन ट्यूब सीक्रेट्स पैक्टिनेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर मेकिंग इट्स पैसेज थ्रू एस्टाइल। होता है ना कि ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, तो जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा तो ये जो स्टाइल है, स्टाइल होते हुए अपना जो पैसेज बनाएगा, रास्ता जो बनाएगा, तो इसे इस स्टाइल के पार्ट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए पैक्टिनेज और अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी अब हम समझ लेते हैं। जैसे एक प्लांट है जिसे बोलते हैं पार्थेनियम, इसे कैरेट ग्रास भी कहते हैं। यह फॉरेन कंट्री से गेहूं के साथ, वीट के साथ इंडिया में आ गया और आने के बाद ये पूरा इंडिया में फैल गया और यह पॉलन एलर्जी काउज करता है। तो पार्थेनियम केम इनटू इंडिया विथ इंपोर्टेड विट। अभी यह लगभग हर जगह देखने को मिलता है, यूबीक्यूटस हो चुका है, इन ऑक्यूरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी। नेक्स्ट पॉइंट की पॉलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं और रिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन ग्रेन्स के टैबलेट्स, सिरप्स को फूड सप्लीमेंट के रूप में इंटेक किया जाता है, लिया जाता है। दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स एज फूड सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज, और इनके लेने से एथलीट्स होते हैं, रेस हॉर्सेस होते हैं, उनके परफॉर्मेंस में इंक्रीज देखा जाता है। एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर कब तक सर्वाइव करेगा, कब तक लिविंग कंडीशन में रहेगा, इसके लिए अलग अलग प्लांट स्पेसीज में लिविंग रहने का जो पीरियड होता है वह अलग अलग होता है। फिर भी पॉलन ग्रेन्स को ईयर्स तक लिक्विड नाइट्रोजन में, लिविंग कंडीशन में स्टोर करके रखा जा सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है -196 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस होता है, जैसे ही टेम्परेचर को कम करेंगे तो लिक्विड स्टेट नाइट्रोजन का मिल जाता है। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन कितने डिग्री सेल्सियस पर, एट -196 डिग्री सेल्सियस पर फॉर ईयर्स एंड कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।